नमस्ते स्टूडेंट, मैं पीयूष उपाध्याय विजुअल फिट कंप्यूटर डिजाइन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ स्टूडेंट। आज हम फिर एक नई टॉपिक लेके आए, जो टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी पिछले टॉपिक मैंने पढ़ाया था इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है और इंश्योरेंस क्लेम की जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। आज हम ये जानेंगे इंश्योरेंस क्लेम की एंट्री टैली में करने का सही तरीका क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इंश्योरेंस क्लेम की जर्नल एंट्री टैली में कैसे की जाती है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, टैली में इंश्योरेंस क्लेम की एंट्री करने का सही तरीका क्या है। तो आपके स्क्रीन पे स्टूडेंट दिख रहा है कि किसका किसका हमें एंट्री पास करना है। सबसे पहले आपके दिख रहा है कि कौन सा एंट्री पास करना है यहाँ पे, एंड द गुड्स कीप इन गो डाउन वेयर बर्न बट द लॉस वाज 50% ओनली द टोटल गुड्स वैल्यू 1 लाख, यानी 1 लाख का माल रखा गोडाउन में जल गया जिसका 50% नुकसान हुआ, तो इसकी जनरल एंट्री लॉस बाई फायर अकाउंट डी आर टू गुड्स। यानी पहला एंट्री पास करेंगे, इसकी जनरल एंट्री कहाँ पास करेंगे, F7 फंक्शन की में होगा। इसके बाद दूसरा एंट्री आपके स्क्रीन पे, द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड 35% क्लेम, यानी जो आपका ये पहला क्वेश्चन था इसका 50% जल गया है और इस 50% का आपको 35% प्राप्त हो रहा है, जिसकी एंट्री आपको ये भी जनरल में जाएगी। और इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट 17,500, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 32,500 टू लॉस बाय फायर यानी 50,000, ये आपका इसकी एंट्री आप 7 में पास करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन आप पास करेंगे, द इंश्योरेंस कंपनी पेड टू द क्लेम फॉर्म 50% कैश एंड 50% बाय चेक, इसकी एंट्री पास करेंगे F6 में रिसीव में, कैश अकाउंट डीआर बैंक अकाउंट डीआर और इंश्योरेंस क्लेम टू इंश्योरेंस क्लेम। तो ये आपकी एंट्री पास करनी, तीन एंट्री पास करनी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसमें चारों में ये देख रहे हैं कि दो एंट्रियाँ जो बिल बनेगा वो F7 में बनेगा, पहला और दूसरा, और तीसरा F6 में बिल बनेगा। और ये किसका किसका लेजर बनेगा, ये लेजर देख लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट बनेगा आपका लेजर लॉस बाई फायर का, जिसका इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस में जाएगा। दूसरा गुड्स का बनेगा, गुड्स यानी परचेस में जाएगा। तीसरा आपका इंश्योरेंस क्लेम का बनेगा, जो करेंट एसेट्स में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट टैली में पहले से बना है, इनको बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ दिखाया गया है कि प्रॉफिट लॉस में जाता है, और ये ऑलरेडी पहले बना होता है। जैसे कैश का भी ऑलरेडी बना होता है, कैश का अंडर हेड क्या होता है, कैश इन हैंड। तो प्रॉफिट एंड लॉस कैश का अकाउंट पहले से बना रहता है। आपको चौथा बनाना पड़ेगा यानी बैंक अकाउंट का, जो डालेंगे बैंक अकाउंट्स में। ओके, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन चारों का लेजर पहले क्रिएट किया जाए। आइए सबसे पहले चलें टैली पे। आपके सामने स्क्रीन खुल गया है, यहाँ पे एक नई कंपनी हम क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने का प्रोसेस आपको पता ही है, Alt+F3 क्रिएट कंपनी में वापस जाइए। और मैंने उसी नाम से बनाते हैं जिस नाम से मुझे काम करना है, इंश्योरेंस के नाम से, इंश्योरेंस क्लेम के नाम से मैंने कंपनी बना दिया। इंटर करते जाइए, इंटर, एंड कंट्री चूज कर लीजिए एंड स्टेट चूज कर लीजिए अपना। ओके, एंड इसको सेव करा लीजिए, जो आपका कंट्री जो स्टेट इसको सेव करा लीजिए। फाइनेंशियल ईयर वही रखते हैं 1/4/2020, बाकी आप कुछ नहीं करना है, यहाँ डेटा को बनाकर सेव कर लीजिए। ये आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है, कंपनी जगह रजिस्टर्ड हो गई। लेफ्ट साइड आपका कंपनी का नाम आ रहा है, टॉप पे पहला इंश्योरेंस क्लेम नाम से। तो सबसे पहले स्केप करके आप अपने टैली के अंदर चले आएंगे, यहाँ पे टैली के अंदर चले गए। अब हमें यहाँ पे डायरेक्ट लेजर एंड वाउचर बनाएंगे, जिसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में वापस आ जाते हैं, और पहला किस फंक्शन में पास करना है, वापस हम क्वेश्चन पे आते हैं। स्टूडेंट आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, यानी जो पहला क्वेश्चन में पास करना है, वो जो क्वेश्चन आपका पहला एंट्री पास होगा वो जाएगा F7 में। तो इसका एंट्री होगा लॉस बाय फायर अकाउंट या टू गुड्स। तो आइए हम सबसे पहले चले आए टैली में, Alt+C आपको पता ही, Alt+C शॉर्टकट तरीके से पहले F7 की फंक्शन को दबा लिए, देखिए F7 दबाएंगे ऊपर जनरल लिखा हुआ आ जाएगा, फिर वहाँ पे Alt+C से लेजर बनाइए। किसका बनाना है, लॉस बाय फायर का, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर का अकाउंट बना दिया। इसको डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपके लिए नुकसान हो रहा है कंपनी का, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जाके सेव करा लेते हैं। ठीक, अब कितने का नुकसान हुआ भाई, वापस आई क्वेश्चन पे स्टूडेंट। तो आपके सामने दिखा रहा है कि नुकसान हमारा हो रहा है कितने का, टोटल एंड 1 लाख का, यानी 50% नुकसान हुआ। तो आपका एंट्री बना लॉस बाय फायर अकाउंट टू गुड्स, यानी 50% ही डालिए, यानी 50,000। यहाँ पे आपने 50,000 पर लिख दीजिए एंड इंटर, टू किस का, गुड्स, यानी Alt+C से गुड्स का भी लेजर बना लीजिए। ये गुड्स, गुड्स अकाउंट, गुड्स भी आपका किसमें जाएगा, परचेस अकाउंट में, परचेस चूज करके सेव कर लीजिए। एंड यहाँ पे जो न्यूशा ऑप्शन है सब लो कर दीजिएगा,
एंड सेव करा लीजिएगा। ये आपका लेजर तैयार हो गया, यानी पहला एंट्री पास कर लिया, लॉस बाय फायर अकाउंट या टू गुड्स, ये जनरल एंट्री बन गया। इसका नरेशन लिख दीजिए आप, बीइंग बीइंग लॉस बाय फायर गुड्स ऑफ 50%, 50%, यानी बिंग गुड्स लॉस बाई फायर ऑफ 50%, यानी 50% का ये आपका नुकसान हुआ, बिंग गुड्स लॉस बाई फायर ऑफ 50%, ऐसे लिख दीजिए 50%। यानी नरेशन लिखते समय कोई भी आपको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है, नरेशन आपको अपने शब्दों में अपने तरीके से समझने के लिए आपको बनाना पड़ेगा। नरेशन लिख के आप सेव करा लीजिए, इंटर एंड सेव। ये पहला बिल आपका बन गया। आई स्टूडेंट दूसरा बिल देखिए क्या है, दूसरा बिल आपके स्क्रीन पे ये है आपका इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट या टू लॉस बाय फायर अकाउंट। ये भी एंट्री पास करेंगे F7 में। वापस आप टैली में चले जाइए, टैली में आ गए, F7 ऑलरेडी आपके सामने सेलेक्टेड है, ऊपर देखिए लेफ्ट साइड जनरल लिखा हुआ है, तो हमें लॉस बाय फायर का अकाउंट ऑलरेडी आपका बना हुआ है। यहाँ पे देखिए किसका बनाना पड़ेगा हमें, खाता इंश्योरेंस क्लेम का, पहला किसका बनाना है, इंश्योरेंस क्लेम, तो अल्टा सी से इंश्योरेंस क्लेम खाता बना लीजिए, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। तो इंश्योरेंस क्लेम हमारा क्या है, हमें मिलेगा ये आपका करेंट एसेट्स में जाएगा, करेंट एसेट्स में डाल देंगे, यानी कैश आपका बढ़ेगा। एंड कितना आपका करेंट एसेट्स हो रहा है, वापस आप देख लीजिए क्वेश्चन में, यानी 17,500 रुपये आपको मिल रहा है, यहाँ लिख दीजिए 17,500, इंटर। फिर इसको डी आर कर दीजिएगा, डी दबा दीजिएगा, यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा है ना, इसको बाई कर दीजिएगा, बाई, इंटर। फिर अल्टर सी करिएगा, और दूसरा प्रॉफिट लॉस का खाता इसमें बना रहता है, आपको बनाने की आवश्यकता नहीं, देखिए बना हुआ है यहाँ पे ना, ये आपको इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इंटर। वापस अमाउंट देख लीजिए कितना नुकसान हुआ हमारा, यानी जो नुकसान लिख रहा है 32,500, तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस में आप 32,500 लिख दीजिए। यहाँ पे किस चीज़ का नुकसान हुआ, लॉस बाई फायर का, यानी जलने पर नुकसान हुआ, तो यहाँ पे लॉस बाई फायर अकाउंट बना हुआ है, इंटर कर देंगे, ये आपके एंट्री हो गई। नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड एंड 35% ऑफ गुड्स, ये लिख दिया आपने, बीइंग इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड 35% ऑफ गुड्स। और भी लिखना चाहते हैं तो लिख दिए रिमेन लॉस्ड, रिमेन लॉस हुआ आपका, ठीक है, एंटर करिएगा एंड सेव करा लीजिएगा। ये भी आपकी एंट्री पास हो गई। और लास्ट एंट्री क्या है स्टूडेंट, ये देख लीजिए आपके सामने आखिरी एंट्री है, आपको पास करना है F6 में। वापस हम चले जाते हैं टैली में, F6 में, यानी आप F6 प्रेस करिएगा तो क्रेडिट साइड आपका ऊपर आएगा, तो हमें किसका पैसा मिलेगा, इंश्योरेंस क्लेम का, जो ऑलरेडी लेजर का बना रहेगा आपका। हमें कितना टोटल क्लेम का पैसा मिल रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, वापस टोटल मिल रहा है 17,500 रुपये, 17,500 को दो भागों में दे रहा है आपका, एंड 17,500 ऊपर क्रेडिट साइड में लिख दीजिए, इंटर। कैश सेलेक्ट कर लीजिए, कैश कितना दे रहा है आपका, 50% दे रहा है, 2750, यानी 8750, तो 8750 आप यहाँ लिख दीजिए स्टूडेंट, 8750। फिर इसको इंटर कर दीजिएगा, बैंक सेलेक्ट कर लीजिएगा, इंटर, 8750 ये भी आ जाएगा, यानी बैंक, बैंक का लेजर नहीं बना, अल्टर सी से बैंक का लेजर बना लीजिए, बैंक अकाउंट, और बैंक का किसमें जाएगा स्टूडेंट, बैंक में जाएगा, ये लेजर आपने बैंक का बैंक बना के सेव करा लिया, इंटर करते जाइए, ये आ गया, टोटल एंट्री बन गई। आपका नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग कैश रिसीव फिफ्टी परसेंट एंड 50% चेक 50%, ये आप लिख सकते हैं स्टूडेंट ऐसे, एंड डेटा को सेव करा लीजिएगा, इंटर एंड सेव। ये तीनों एंट्री आपने पास कर दिया कि टैली में इन तीनों का एंट्री कैसे पास करना है। अगर आपको देखना चाहते हैं तो डे बुक में जाकर इसकी एंट्री चेक कर सकते हैं, डिस्प्ले में जाएंगे
एंड डे बुक देखिए यहाँ दिखाई देगा, एंटर करेंगे ये तीनों एंट्री आपको दिखाई देगी। तो ऐसे की जाती है इंश्योरेंस क्लेम की जनरल एंट्री टैली में। तो आशा है स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि टैली में इंश्योरेंस क्लेम का जनरल एंट्री करने का सही तरीका क्या है। एंट्री करते समय हमें नेचर ऑफ अकाउंट्स और फंक्शन का ध्यान रखना है कि किस में किस अकाउंट में जाएगा और किसके अंडर में ये बिल पास होगा। अगर ये चीज़ आप क्लियर कर लेते हैं तो टैली में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। ये सारे वीडियोस अकाउंटिंग वर्क के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा कीजिए। और जो मित्र या दोस्त या फ्रेंड या सर्किल या जो भी आपके रिलेशन में है जो अकाउंट लाइन में अपना पैर रखना चाहते हैं उनको ये वीडियो जरूर दिखाई दिया, इन्हें शेयर किया कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी किया कीजिए, किसी प्रकार का समस्या है तो कमेंट्स भी भेजा कीजिए। और अगला वीडियो जो आपके लिए बना रहा हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि डोनेशन क्या होता है और डोनेशन कितने प्रकार के होते हैं, डोनेशन कब और कहाँ किया जाता है, डोनेशन से कंपनी को फायदा है या नुकसान है। तो हर वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।